बखैरता का टोला सारा आया है, कोई अच्छा काम नहीं किया, चोरी नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी बात है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है आपकी नजर में? बड़ी बेस्ट है, ऐसी बेस्ट है कि जिंदगी में कभी ऐसी बेस्ट हुकूमत देखी ही नहीं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने करप्शन की है और की होगी, लेकिन उसमें आवाम को तो सुकून था ना। 48 साल एज हो गई है मेरी, मैंने इतनी गंदी हुकूमत नहीं देखी। कौन सा इलेक्शन, कौन इधर का इंसान का औलाद है? नवाज शरीफ और एक खबीज की औलाद है, इंडियन निकले यहाँ से। यहूदियों का एजेंट है पक्का पक्का, पता ना आपको, इसके ससुराली यहूदी ही है। अभी तो 110% इमरान खान, इससे गंदी गवर्नमेंट मेरे हिसाब से पहले नहीं। मेरे हिसाब से तो इन्होंने, मुझे लगता है, पाकिस्तान ही बेच दिया। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी को मत अपनी होश में हमने देखी नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद भट्टी और आप डेली न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। 25 जुलाई 2018 को जनरल इंतखाबात हुए थे और 25 जुलाई 2020 को 2 साल पूरे हो गए। लाहौर के बासी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। 2 साल हुकूमत ने की किया, कोई अच्छा काम? 2 साल जो ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बखैरता का टोला सारा आया है, कोई अच्छा काम नहीं किया, समझे जे। पुलिस का निज़ाम नहीं सही हो सके, इन्हों को बल्दिया का निज़ाम जागा तो जाके वेखो ढेर लगे ने कूड़े दे। बीमारी जड़ी ना, बीमारी कोई अल्लाह वालों आफत नहीं आई, हर मुल्क ही चाहिए, लेकिन वो जिते गंदगियां सन ना, गंदगियां दे भी चाहिए, वो लोग तो है ही गंदे ने, तो असी तो साफ सुथरे मुसलमान लोग हाँ। इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल में कुछ डिलीवर किया है, कोई वादे पूरे किए हैं, या कारकर्दगी कैसी रही आपकी नज़र? काम तो कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो जो उसने कहा है उसी पे काम कर रहा है। अब घरों की गाबी शुरू हो गए हैं बनने और मुल्क को चला रहा है, चोरी नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी बात है। इस मुल्क में करप्शन नहीं हो रही, जो निचले लेवल पे करप्शन हो रही है ना, वो बीज बोए हुए हैं, हमने पहले के बीज बोए हुए हैं, उनको वो निकालेगा ज़रा, उसको ज़रा थोड़ा, अभी तो 3 साल बाकी पड़े हैं इसके। 2 साल में जो हाल था मुल्क का ना, उस हिसाब से तो उसने बहुत अच्छा कुछ किया, जो कुछ भी। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है आपकी नज़र में? बड़ी बेस्ट है, ऐसी बेस्ट है कि जिंदगी में कभी ऐसी बेस्ट हुकूमत देखी ही नहीं, ना ही कोई आई है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जाहिर है वो भी हुक्मरान रहे हैं, दो दो तीन तीन बार वजीर आजम भी रहे नवाज शरीफ, लेकिन उन्होंने बनी गाला जैसी कोई हरकत नहीं की। शहबाज शरीफ ने 2-3 बीवियां की हैं, नवाज शरीफ के बारे में नहीं सुना, हो सकता कोई हो अंदर, लेकिन इस आदमी ने ओए याशी की इंतहा कर दिया। ये जो है खान साहब, हम भी खान हैं, लेकिन तौबा तौबा अल्लाह माफी, जो इसने बेगैरती, जो इसने लड़कियों को देखे ना, हम मुसलमान हैं, इतनी इतनी निकले, इतनी इतनी कैपरियां महंगे बाजार में फिर होती है, बाजू नंगे, कोई नहीं उनको पूछने वाला, इसने खुली छुट्टी दी हुई है, जो दिल करता करो, कोई रोक टोक नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने इन 2 सालों में क्या किया है? 2 साल नहीं, ये है 22 माह। ओके, इन 22 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट समझते होंगे आप, 20 अरब से आ गया 3 अरब पे, 5000 अरब रुपए कर्जा इस गवर्नमेंट ने वापस किया, पहले जो हम जो कर्जे ले चुके थे उसकी मद में हमने वापस करने दिया अमाउंट 5000 अरब रुपए, हमने वो वापस दिया। उसके अलावा ये एहसास एमरजेंसी कैश का आप देख रहे हैं, मैं अपने ऑफिस के लड़कों को जानता हूँ, ऑफिस बॉयज हैं जिन्होंने, जिनको पैसे मिले हैं, और ये वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले आपने सुना भी है, आपने देखा भी है, गस्टेड ऑफिसर्स को मिले हैं, अब ऐसा नहीं है, ये जो अमाउंट है वाकई जो लोग उसके हकदार हैं उनको मिले हैं। शेल्टर होम्स वो भी आपने सुने हैं, 200 से ज़्यादा बने हुए हैं, उस पर काम हुआ है, हमारे सामने है, वो कुछ भी ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोरोना को लेके जो पॉलिसीज़ थी, पहले हम सब उस पर एतराज़ करते रहे, इमरान खान कहते रहे कि यार हम ना लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये कोई हल नहीं है, लेकिन हमने फोर्स किया कि नहीं, सारी दुनिया लॉकडाउन कर रही, भाई आप करें, उन्होंने किया, उन्होंने फिर उसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके, अब आके अब इस टाइम पे आके जब ये थोड़ा सा मामला बेहतर हुआ है, अब सारी दुनिया तारीफ कर रही है इस चीज़ की कि यार उन्होंने अच्छा अच्छा डिसीजन लिया। बाकी आप देख लें, डैम की तरफ आ जाते, 60 सालों में अब काम शुरू हो रहा है, तख्तियाँ तो लगती नहीं है, पहले भी जो भी आया उसने तख्ती ही लगाई है, काम अब शुरू हुआ है, ये एक खुशाइन बात है, अच्छा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं कल, और इस दौरान आपके ख्याल में कोई तब्दीली आई, हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम नहीं किया, बोला बुरा काम हो रहा है, सावला लो है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, इन्नी की महंगाई हुई भी, एक रेडी दे 5 जने सौदा दे रहे हैं रुपया, 5-5, 6-6 सौ रुपया जा रहे हैं, 5-5, 6-6 सौ ले जा रहे हैं, वह कुछ नहीं बनता।
महंगाई तो अलावा कोई अच्छा काम, कोई भी मतलब कोई छोटा मोटा नहीं अच्छा काम करना है सर, सानू थोड़ा कम नजर आ रहा है गुजारा हो रहा है, होर पास है नहीं कम बंदा करेगी, वो किधर जाओ दिहाड़ी कोई पैसा दिता नहीं नकद हो गए इन्हें पैसे है नहीं तो देना थानू कि। इलेक्शन 2018 को दो साल मुकम्मल हो गए हैं, आपके ख्याल से इन दो सालों में हुकूमत ने कोई एक भी अच्छा काम किया है या कोई तब्दीली आई? मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने कोई भी काम अच्छा किया हो, जो भी ये टीवी में जब पहले करते थे ये हुकूमत आने से पहले हम ये करेंगे उनमें से एक काम भी नहीं इन्होंने पूरा किया। अब सब बैठे हुए हैं, अब कोई भी नहीं, इनका बयान भी किसी चीज़ का नहीं आ रहा। मैं इससे बेहतर ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने करप्शन की है और की होगी, लेकिन उसमें आवाम को तो सुकून था ना, इतनी महंगाई वगैरह नहीं होती। अभी भी आप देख रहे हैं किसी अल्लाह पाक हर दफ़ा हमें तफीक देता है, कुर्बानी वगैरह देते हैं, इस दफ़ा मुझे नहीं लग रहा हम बिल्ली भी दे सकें। नहीं वो तो फिर कोरोना की वजह ज़ाहिर हालात ज़्यादा ख़राब हो गए ना, उसमें हुकूमत का तो कुछ, लेकिन वैसे भी महंगाई इसके दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है। मिसाल के तौर पे क्या चीज़ अगर आप मिसाल दें कि फलां चीज़ महंगी, हम बिरयानी बेच रहे हैं यहाँ पे, हमारा काम है बिरयानी का, ठीक है, जो हमें 2 रुपए की चीज़ मिलती थी अब वो 10 रुपए में मिल रही है, आगे से आवाम इतने पैसे नहीं दे। मतलब कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ है जो 2 रुपए की 10 रुपए की? मसाले, चीनी, चावल, हर चीज़ महंगाई हो गई। बिरयानी में चीनी तो नहीं डलती? 3000 रुपए का हम तोड़ा ले रहे थे चावल का, चावलों का, अभी वो हमें 5.5 का मिल रहा है, 4.5 का मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन ये सब महंगाई की वजह से हुआ है। ऐसे हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। क्या अच्छा किया हुकूमत? अच्छा ही कर रही है कि हुकूमत अल्लाह पाक की तरफ से होती है, हमें बुरा कहने का हक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, अगर हम हुकूमत को गलत कहते हैं तो फिर हम अल्लाह पाक को गलत कहते हैं बिल्कुल। हुकूमत की जो गवर्नेंस है ये सारी अच्छी है, कोरोना के अंदर, इससे पहले भी, हर मामले में सब कुछ उन्होंने संभाला, हमने क्या किया, हमने हुकूमत को क्या दिया, ये भी तो देखे ना, हम हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, हुकूमत हमारे लिए सब कुछ करती है, जो भी हुकूमत आती है अल्लाह पाक की तरफ से आती है, हमें बस यही बात देख के चलना है, हमें किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये कोरोना की इमदाद आपके खानदान में किसी को मिली? बिल्कुल मिली है। दूर तो कह रहे थे कि नहीं मिली किसी को, उनको हो सकता है कईयों के सिस्टम में मसला भी होता है, कई लोगों के एक्सपायर भी होते हैं शिनाख्ती कार्ड जिनके, लेकिन जिनके सही होते हैं उनको मिल भी जाता है, ठीक है, बहुत से लोगों को मिला। हुकूमत को 2 साल पूरे हो गए हैं इलेक्शन 2018 कार है, मैंने हर किसी का ज़िया का दौर देखा है, मैंने पीपल पार्टी का, जुनेजो का, ये सारे दौर मैंने देखे हुए, 48 साल एज हो गई है मेरी, मैंने इतनी गंदी हुकूमत नहीं देखी, गरीब आदमी ये मर रहे हैं बेचारे, कोई एक काम भी अच्छा नहीं किया। कौन सा काम अच्छा किया? कोई एक अच्छा बताएंगे तो होगा ना, मतलब ये जो शेल्टर होम बनाए हैं आवाम के लिए रहने के लिए, शेल्टर होम की बात कर रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन के पास किसको जरूरत है? बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से दिहाड़ी करने आते हैं, यहाँ पर दिहाड़ी करने आते हैं, जो लाजमी बात है, मैं अगर अपने शहर से बाहर जाऊंगा तो मेरे पास इतनी गुंजाइश होगी तो मैं जाके काम पहले देखूंगा फिर मैं लगूंगा, मैं बगैर अंधों की तरह जाके दूसरे शहर में काम कैसे कर लूंगा? वहाँ तो रोज बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं नहीं, ये वो लोग रहते हैं जो बेरोजगारी में ज्यादा दब गए हैं, ये बात याद रखिएगा, मैं अगर कहीं जाके काम करने की ख्वाहिश रखूंगा ना, पहले मैं वहाँ का आइडिया लूंगा कि मुझे वहाँ पे चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता, अगर मुझे कुछ आता ही नहीं यार मैं जाके अब हाथ फैलाना शुरू करूंगा, मेरे लिए तो सेंटर होम बहुत अच्छा है। और ये कोरोना वाले जो 12,000 की इमदाद है ये वाला काम भी अच्छा है? मेरा ना तो मेरा घर है, ना कोई बाइक, ना कोई गाड़ी मेरे नाम पे है, ना कोई घर मेरे नाम पे है, कुछ भी मेरे नाम पे नहीं, मैंने मैसेज किया है मैं नाहल करा, क्यों वजह नहीं बताई, मिले चल रही है नाहल बताया, इन्होंने कार्ड निकाले, ठीक है, ये जो क्या नाम है इसका, हेल्थ कार्ड उसमें ना हेल्थ करार दे दिया, क्यों मैंने इनकी मां मारी थी, तो अल्लाह तो हुकूमती कारकर्दगी का बताए ना, ये तो लोग जाती तौर पे भी करते हैं ये सारी चीजें, शादी शुदी हुकूमत की कारकर्दगी है, टीवी पे ऐलान करेगा चीनी 63 रुपए किलो, फोन करके सारे स्टोरों को कह देगा जो दिल करता है 90 रुपए की किलो बेचो चाहे 100 रुपए की किलो बेचो, इसी तरह आटा, ये बड़ा मकार और झूठा आदमी है, इसने मुल्क का ना मुल्क को गोटे गोटे बेगैरती में डाल दिया। के इमरान खान जो है ना वो मतलब उसके आइडियाज अच्छे हैं, अगर उसको वैसी उसको अभी चाहिए कि वो अपनी टीम में जो है ना टीम में प्योरिटी लाए, ठीक है, अगर वो अपनी टीम में प्योरिटी लाता है उसके आइडियाज अच्छे हैं, वो अलग सोच का बंदा है, उसकी डिफरेंट सोच है, वो कुछ कर सकता है, लेकिन अभी तक जो है ना वो कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ करने नहीं देते उसको। मतलब तोड़ा मसला है ही है कि महंगाई जड़ी है वो बहुत ज्यादा हो गई है 2 साल के बीच, पिछले उस तो पहले जड़ी हुकूमत से उस तो ज्यादा महंगाई हो गई,
ज्यादा महंगाई है जो फिर वो ठीक सी चलो मुंडे कामां ते लगे सी कोई तनखा लैंदे सी इस मुल्क च कोई निजाम सही होया ही नहीं शुरू तो लैके हुण तक ते जिहड़ा ए आ गया वे इहने ते हद ही मुका दित्ती है ना इहने ते हद ही मुका दित्ती है इहने कोई गरीब आदमी दा नहीं सोचिया इहने कहा गरीबां नूं मारना मैं रहण नहीं देना कोई गरीब उहनां नूं मार देना ते गरीबां नूं जिहड़ा 12-12 हज़ार रुपया दित्ता हुकूमत ए कोई एवें चवला मारदे ने कोई चवला मार दे रहे अरबा रुपया अरबा लैके करोड़ा भी नहीं दिते लोगों नू जेड़े अपनी पार्टी दे उन्हां दे वार मिलने वाले बंदे ने ना महल्ले च रौला रूला पाउण वाले उन्हां नू उन्हां ने दस दस बंदियां नू दे के मूंह बंद कर दिता ताकि वह साडी मशहूरी करन लेकिन कोई पैसा नहीं दिता साडे मजंग दे इलाके च किन्नू पैसा मिलिया वे कोई एक काम ही नहीं है हुकूमत दे दो साल में कोई एक देखिए हुकूमत ने तो कुछ एक काम किया ही नहीं हुकूमत के पास खुद बताने को नहीं है रोज घंटे घंटे का टॉक शो होता है उसमें कुछ हुकूमत को बताने के लिए नहीं है वो पूछते हैं कि जी आप बताएं कि आपने दो साल में क्या किया वो कहते हैं वो पहले लूटा उसने लूटा उसने लूटा आपका कर उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता वो कोई मंशूर नहीं है कुछ नहीं है बस एक ही बात है हर वक्त कि जी उसने लूटा उसने लूटा उसने लूटा उसने इलेक्शन 2018 को दो साल पूरे हो गए के लिए मुल्क और बर्बाद करेंगे आप लोगों ने कौन से इलेक्शन कौन है इधर का इंसान का औलाद है नवाज शरीफ और एक खबीस की औलाद है इंडियन को निकले यहाँ से हम लोग पाकिस्तानी है पाकिस्तानी को मांगते इंडियन को नहीं जलाक कौन था वो भी इंडियन था इल्ताफ कौन है वो पेशाब पी के गएगा हिंदू हो गया वो भी इंडियन इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है इन लोगों की जरूरत नहीं है शबाशी ने 14 खून कराए हुए इसको फांसी नहीं है तो भट्टो कैसे फांसी चढ़ गया आप बताया मुझे ये पिसको इनको फांसी चढ़ाओ पहले फिर नवाज शरीफ से खून का साफ लो ये इन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया हमारा ये तो 44 आदमियों में चोर हैं ये लोग बेनजीर की आप दूसरी दवाई तकरीर सुने ये इंसान के नहीं ये भारत लोग हैं अगर गैरत वाले साहब पाकिस्तान ने इनके माँ बाप को छत दी है छुपने के सर छुपाने के लिए इसी मुल्क को लूट लिया लोगों की राय तो आपने जान ली अब आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा अपने मेजबान उबैद भट्टी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।